71 फीट लंबी कावड़ यात्रा नीमच सिटी में टेडेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां भगवान भोले का जलाभिषेक किया गया। सावन माह के प्रारंभ होते ही शिव भक्तों में उत्साह का माहौल बन जाता है। सावन के पवित्र माह में कई शिवालयों पर दूर दूर से कांवड़ लाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। आज इसी तारित्रम में टेडेश्वर मित्र मंडल द्वारा दूसरी कांवड़ यात्रा नीमच सिटी में निकाली गई, जिसमें लगभग 41 कांवड़ियों ने भाग लिया। कांवड़ यात्रा में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी शामिल रहे और कांवड़ हाथों में लेते हुए बम बम के जय घोष लगाते हुए कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर नीमच सिटी में पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया। ये कांवड़ यात्रा 17 किलोमीटर लंबी थी, जो आकर्षक का केंद्र रही। ये दूसरी कांवड़ यात्रा है और टेढ़ेश्वर महादेव मित्र मंडल की ओर से निकाली गई है। और ये दूसरी कांवड़ यात्रा नीलकंठ से टेढ़ेश्वर महादेव जाएंगे और वहाँ जल अभिषेक होगा। 6:30 बजे के समथिंग जल अभिषेक होगा। और अगले साल हमने निकाली थी जो 7 जनों की कांवड़ यात्रा थी, और आज टेढ़ेश्वर महादेव की कृपा से भव्य कांवड़ यात्रा निकली है और आगे भी हम आशा करेंगे कि और भव्य निकलेगी। क्या नाम है आपका? राजेश वैद्य।